अब मैं आपको वो दिखाता हूँ जिसे फ्लेयरिंग टूल कहते हैं। तुम वहां ऑपरेटर को देख रहे हो? हाँ। फ्लेयरिंग टूल्स में हर एक ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को काम में लाया जाता है। वो प्रोफेशनल और शौकिया इस्तेमाल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। फ्लेयरिंग टूल आरएसी इंडस्ट्री में बहुत ही आवश्यक टूल है। इसके बिना पाइप काटना संभव नहीं हो पाएगा। इस टूल का कोई विकल्प नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि फ्लेयरिंग टूल अच्छी हालत में हो। फ्लेयरिंग टूल का उपयोग करने के लिए पद्धति इस प्रकार है। कॉपर ट्यूब को फ्लेयरिंग बार्स के बीच फिक्स किया जाता है। फ्लेयरिंग बार दो बार से मिलाकर बनी होती है, जिन्हें एक विंग नट और बोल्ट के द्वारा एक साथ संगठित किया जाता है। फ्लेयरिंग में ट्यूब को ग्रिप करने के उद्देश्य से विभिन्न साइज के छेद दिए जाते हैं। आरएसी वर्कशॉप में ज्यादातर 3x16 से 5x8 इंचेस के फ्लेयरिंग टूल का इस्तेमाल होता है। फ्लेयरिंग योक में एक कोनिकल आकार की एक एंगुलर डाई होती है, जिसे ट्यूब में घुसाया जाता है, जो ट्यूब में फ्लेयर बनाता है। फ्लेयर का कोण 45 डिग्री का होता है। योक का अत्यधिक दबाव कॉपर ट्यूब के फ्लेयर को खराब कर सकता है। लेकिन डैड, क्या ये स्वेजिंग टूल जैसा नहीं है? नहीं, स्वेजिंग टूल और फ्लेयरिंग टूल के उद्देश्य अलग अलग हैं, लेकिन आरएससी ट्रेड में दोनों ही आवश्यक हैं। स्वेजिंग टूल ट्यूब को फैलाता है, जबकि फ्लेयरिंग टूल ट्यूब्स पर फ्लेयर बनाता है। दोस्तों, अब आप जान गए हैं कि फ्लेयरिंग टूल क्या है। फ्लेयरिंग टूल ट्यूब्स या पाइप्स को जोड़ने के लिए एक ट्रेडिशनल टेक्निक है। फ्लेयरिंग करने से पहले उचित फ्लेयर नट को डालने का ध्यान रखिए।